विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व पार्षद एकता मंच के पदाधिकारियों द्वारा गुरुवार को महापौर सीताराम जायसवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि 15 दिनों के अंदर महानगर में पेयजल की व्यवस्था, हैंडपंप रिबोर, पथ प्रकाश की व्यवस्था एवं शहर की गलियों का सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुचारू रूप से कराया जाए, जिस पर महापौर सीताराम जायसवाल ने पूर्व पार्षदों से ज्ञापन प्राप्त करने के बाद उन्हें अवगत कराया कि आपकी जो मांगी है उसके संबंध में विभाग द्वारा मेरे निर्देशन में पूर्व से ही कार्रवाई की जा रही है। जहाँ कहीं कोई कमी पाई जाती है पुनः उस पर विशेष ध्यान देते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने सभी पूर्व पार्षदों से कहा कि जनहित की समस्या को इसी प्रकार संज्ञान में लाते रहें जिस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर पूर्व पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष शिवाजी शुक्ला, प्रमुख महासचिव शशांक शेखर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष विंध्यवासिनी जायसवाल, महासचिव जावेद अहमद खान, वरिष्ठ पूर्व पार्षद मनोज कुमार सिंह, अहमद कुमार गुड्डू, विजय राज जायसवाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व पार्षद एकता मंच के महासचिव शशांक शेखर त्रिपाठी एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। विषय पेयजल पथ प्रकाश और सैनिटाइजेशन की समस्या के संबंध में महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। दोनों विभागों के कार्रवाई की जांच कराई है। विभाग में 9 बारियां हैं, 3 सही है, उनका शेष खराब प्रकाश की पुष्टि हो सके। महानगर में मुख्य सड़कों पर सैनिटाइजेशन का कार्य, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का शशांक शेखर त्रिपाठी, प्रमुख महासचिव पूर्व पार्षद एकता मंच। आज पूर्व पार्षद एकता मंच के सारे पदाधिकारी और सदस्यगण, बहुत मतलब जिसको बुलाया गया तो वही लोग आज आकर के माननीय महापौर जी को शहर में पथ प्रकाश, स्वास्थ्य एवं सैनिटाइजेशन के संबंध में ज्ञापन हम लोग दिए हैं। पथ प्रकाश की समस्या, चूँकि बरसात का मौसम आ रहा है और तमाम पथ प्रकाश बिंदु जो है अंधेरे में गलियां जो है छाई हुई है, उसी संबंध में कि जो कंपनी को यहां पे पथ प्रकाश की व्यवस्था दी गई थी वो करीब 2-3 महीने से वो कार्य अपना यहां नगर निगम में नहीं कर रही है, तो उस संबंध में सैनिटाइजेशन जो मुख्य सड़कों पे हो रहा है और गलियां सकरी गलियों में मोहल्ले में नहीं हो रहा है उसके संबंध में, और स्वास्थ्य ये जलकल जो इंडिया मार्क का हैंडपम्प जो उसका रिबोर है, वह रिबोर भी जो है विगत के महीनों से जो है मतलब पूरा वित्तीय वर्ष में जो है उस रिबोर जो है नहीं हो पा रहा, जिससे पेयजल की भी समस्या जो है इस गर्मी के दिन में पड़ी हुई है जनता को। उसी संबंध में उन्हीं तीनों चीज़ों को लेकर के आज पूर्व पार्षद एकता मंच यहाँ पे माननीय महापौर जी को अपना एक ज्ञापन दिया है, और माननीय महापौर जी ने तीनों बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अपना एक समय सीमा कहे हैं कि महानगर में ये तीनों चीज जो है इतने दिनों में हम व्यवस्थित कर देंगे। पूर्व पार्षद एकता मंच द्वारा शहर में कुछ बिंदुओं पर मांग की गई है, पेयजल, प्रकाश बिंदु और नालियों की सफाई, उनके पथ प्रकाश पर कुछ दिन कंपनी की लापरवाही से काम बंद था। एक हफ्ते से पूरा कंपनी अपना काम अपने क्षेत्र में कर रही है। 10 टीमें प्रकाश बिंदु को ठीक करने में लगी हुई है और जल्द से जल्द सभी प्रकाश बिंदु शहर के ठीक कर लिए जाएंगे। हैंड पाइप कुछ ख़राब हैं जो इंडिया मार्का हैं, उसकी आप लोगों ने मांग की है। हमने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि जल निगम इस काम को करता है और जल निगम को मैं पत्र लिखूंगा, उनके अधिकारियों को भी तलब करूंगा और उसे जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश दूंगा। छिड़काव की, सोडियम हाइपोक्लोराइट छिड़काव की भी बात इन लोगों ने की है। हमने उन लोगों को बताया है कि पूरे शहर में
युद्ध स्तर पर छिड़काव का कार्यक्रम चल रहा है। अगर किसी भी जगह पर छिड़काव नहीं होता है तो हमारे अधिकारी को या मुझे बताएं, उसकी व्यवस्था तुरंत की जाएगी। इन सब को बातों को लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस पर हम त्वरित कार्रवाई करने जा रहे हैं।